आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा एक गर्ल्स स्वेटर का डिज़ाइन जो की एक डिमांडिंग वीडियो था काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी गर्ल्स स्वेटर के डिजाइन बनाने के लिए तो मैंने इसे बनाया है बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दो कलर मैंने इसमें यूज किया है येलो एंड वाइट को आप चाहें तो एक सिंगल कलर में भी बना सकती हैं बट दो कलर में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बन के रेडी हुआ है सो so, ये देख सकते हैं आप इसकी स्लीव भी सेम पैटर्न में बनी हुई है और मैंने स्लीव्स में भी सेम ही पैटर्न को यूज़ किया है ये है इसका नेक जो प्रॉपर बना हुआ है और कितना चिपका हुआ गला है वो भी आप इसे कायदे से देख सकते हैं सो so, अगर आपको और भी ज़्यादा बड़ा चाहिए तो बॉर्डर को और ज़्यादा बना बनाना होगा आपको जो कि मैंने आगे बताया हुआ है ये फ्रेंड्स वीडियो का पार्ट टू है पार्ट वन ऑलरेडी अपलोडेड है पार्ट वन में मैंने आपको इसके ऊपर का पूरा पार्ट बता दिया है प्लस इसकी लंबाई में किस तरीके से बनाना है कितना लंबा बनाना है ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट वन में बता दी हैं आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्लीव बताऊँगी स्लीव की कटिंग कैसे देनी है गले का बॉर्डर कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ सो आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ जाके देख सकते हैं यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्वेटर बना हुआ है ये एल साइज स्वेटर है अगर आप इसे छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो मैंने इसे 3.5 पॉइंट mm फाइव की क्रोशिया हुक से बनाया है आप 3 एम mm एम की क्रोशिया हुक से बना सकते हैं तो इसे थोड़ा सा छोटा साइज़ बन के रेडी होगा या तो फिर आप पैटर्न को कम कर सकते हैं पैटर्न को कहाँ और कैसे कम करना है ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट वन में बता दी हैं ऊन इसको पूरा बनाने में मुझे लगभग साढ़े पाँच सौ ग्राम ऊन लग गई है और बराबर बराबर ही ऊन इसमें लगभग लगती है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ढाई सौ ढाई सौ ग्राम ले सकते हैं या तो दो सौ पचहत्तर और दो सौ पचहत्तर ग्राम ऊन इसमें ले सकते हैं कौर, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट में बनाएँ पिंक एंड वाइट में बनाएँ फिरोजी और वाइट को भी यूज़ कर सकते हैं या ब्लैक रेड एंड वाइट भी यूज़ कर सकते हैं तो कोई भी कलर लें अच्छा ही लगने वाला है बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लगने वाला है जो कि आप देख सकते हैं आगे से पीछे तक पूरा सेम ही बना हुआ है और बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है लंबाई वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना लंबा चाहिए मैंने इसे आ, लगभग यहाँ पे जो मैंने रोज बनाई है वो आई थिंक सेवेंटीन या सिक्सटीन एक इसी तरह से रोज़ बनाई हुई है एग्जैक्ट uh, मुझे अभी याद नहीं है मैंने कितनी बनाई है तो पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी आप वहाँ से जाके पार्ट वन देख सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियो देखना पसंद करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके जो पार्ट वन में आपको यहाँ तक का पार्ट पूरा बता दिया था और आपसे मैंने ये बताया था कि पूरा नीचे आपको ऐसे ही बनाना है सिर्फ आपको कलर चेंज करना है कलर चेंज कैसे करना है वो भी मैंने आपको पार्ट वन में बताया हुआ है कि एक राउंड के बाद दूसरे कलर को कैसे लगाना है हमें तो मैंने इसमें सेम वैसे ही यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह टोटल ग्यारह वाइट की रोज़ बनाई है उसके बाद दो मैंने येलो की लगाई है फिर एक वाइट की बनाई है और लास्ट में मैंने चार रो येलो की बनाई है सो ये एज अ बॉर्डर हमारा वर्क कर रहा है तो ऐसे ही आपको अपनी भी लंबाई जितना भी आपको लंबा बनाना है उस उतना लंबा बना लें उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात टोटल सात रो में नीचे बॉर्डर टाइप बनेगा पैटर्न सेम ही रहेगा सिर्फ आपको कलर चेंज करना है तो यहां मैं अब आपको बताने जा रही हूं कि इसका स्लीव्स uh, uh, कैसे बनेगी तो स्लीव्स के लिए अब आपको क्या करना है यहां पे टोटल हमने पांच पैटर्न रखे थे एक दो तीन चार पांच तो इन्हीं पैटर्न्स में हमें वर्क करना है प्लस यहां जहां से हमने डिवाइड किया था इधर का पैटर्न ये है जहां से हमने डिवाइड किया था और इधर का पैटर्न ये है जहां से हमने डिवाइड किया है ओके तो किसी भी एक साइड वाले इस साइड वाले में यहाँ पे जहां से डिवाइड किया है वहां पे धागे को ऐड करना है इस जगह पे धागे को ऐड करेंगे और अब यहीं पे यहाँ पे देखिए एक बार ऑलरेडी पैटर्न बना हुआ है सो तो इसी स्पेस में भी हमें फिर से पैटर्न बनाना है पर पूरा पैटर्न नहीं बनाना है सिर्फ छह डबल क्रोशिया बनानी है तो पहले तीन चेन बना लेंगे ये हो गई फर्स्ट डबल क्रोशिया सेम प्लेस से ही डालेंगे जो दो चेन के स्पेस में ही डालना है एक पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है उसके जस्ट इस वाले साइड पे इधर आपको पांच डबल क्रोशिया और छह डबल क्रोशिया और बना लेनी है दो हो गई तीन चार पांच और छह डबल क्रोशिया दो चेन बना लेंगे और दो चेन बना के इस साइड पे तो ये नीचे आम होल का हिस्सा है जहाँ पे आपने डिवाइड किया है आम होल को अलग किया है जहाँ से वहीं पे वर्क करना है जो हमने आम होल के लिए पाँच निकाली है उसमें वर्क नहीं करना है जहाँ पे हमने आगे और पीछे का सेक्शन अलग किया है उसमें वर्क करना है तो इसमें देखिएगा मैंने पाँच अच्छे डबल क्रॉशर बना ली दो चेन बना ली दो चेन के बाद अब हमें इधर वाले में आ जाना है ठीक है इस इधर के साइड में जहां पे हमने अलग किया है ऑलरेडी एक पैटर्न बना हुआ है उसी में आपको डालना है और डबल क्रोशिया इसमें बना लेनी है एक दो तीन चार पांच छ और अब आपको सेम वर्क को कंटिन्यू करना है जो आपका ये राउंड बना हुआ है इसमें टोटल पांच पैटर्न है इसमें ही कंटिन्यू करना है ये हमने एक नया पैटर्न तैयार किया है जिसकी आधा पैटर्न इधर बना है आधा इधर बना है और बीच में दो चेन बनाई है सेम वैसे ही अब इसके बाद यहाँ देखिएगा जस्ट इसके बाद इस जगह पे आम होल के साइड में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है इसमें डालेंगे और तीन बार में ओवर करते हुए ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे आपको लगाना मैंने इसमें येलो कलर ही लगाया है क्योंकि यहाँ पे येलो कलर से दो रो बनी हुई है तो स्लीव्स में भी आपकी येलो कलर से पहले दो रो बनेगी सेम उसके बाद वाला जस्ट जो आपका पैटर्न है इसमें डालेंगे और यहाँ पे छह डबल क्रोशिया और बना लेंगे छ डबल क्रोशिया दो चेन और सेम इसी स्पेस से छ डबल क्रोशिया ओके तो पैटर्न सेम ही रहेगा यहाँ पे टोटल अब देखिएगा एक पैटर्न ये है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टोटल पांच पैटर्न है और पांच पैटर्न के बाद ये ट्रिपल क्रोशिया है तो यहाँ तक बना के रेडी तो कर लेंगे राउंड पूरा ओवर हो चुका है और राउंड ओवर होने के बाद यहाँ पे देखिएगा जो हमने छह डबल क्रोशिया बनाई थी उसमें जो फर्स्ट नंबर वाली है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे पहले तीन चेन बनाई थी तो थर्ड नंबर चेन में ऐड करेंगे और उसके बाद की जितनी भी आपकी डबल क्रोशिया बनी हुई है उन सब में स्लिप स्टिच बनाते हुए आपको बीच की दो चेन के स्पेस में आ जाना है सेम वैसे ही करना है जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे और कोई चेंज नहीं है इसमें यहाँ पे जो दो चेन का स्पेस है यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे दूसरा धागा नेक्स्ट कलर का जो थ्रेड है हमारा वो यूज़ कर लेंगे तो अब व्हाइट कलर से आगे का वर्क करना है क्योंकि हमने आगे का पूरा पार्ट व्हाइट कलर से बनाया है बॉर्डर को छोड़ के तो यहां पे मैं व्हाइट कलर यूज करूंगी फिर से तीन चेन बनाएंगे इसी दो चेन के स्पेस में बनाना है एक दो तीन तीन चेन और सेम स्पेस पे ही इसी जगह पे डाल के आपको पूरा पैटर्न बना लेना है इसी दो चेन के स्पेस पे पहले डबल क्रोशिया तीन चार पाँच छ डबल क्रोशिया दो चेन सेम स्पेस से ही फिर से डालेंगे और छह डबल क्रोशिया और बना लेंगे एक दो इस वाले थ्रेड को अब आप कट कर दीजिए अब येलो थ्रेड का अब यहाँ पे वर्क नहीं है तो इसे आप कट कर सकते हैं क्योंकि अब ये नीचे ही लगेगा बिल्कुल तो इसे यहाँ पे कट कर लेंगे चार पाँच छ डबल क्रोशिया दो चेन और डबल क्रोशिया उसके बाद ये हमारा पैटर्न है तो आ, इसमें सेम वैसे ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नीचे से डाल के तीन बार में ओवर करेंगे एक दो तीन और फिर से नेक्स्ट वाले में छह डबल क्रोशिया दो चेन तो इसमें आ, कुछ दूरी तक आपको छह डबल क्रोशिया दो चेन और छह डबल क्रोशिया पे ही वर्क करना है पांच हमने आम होल पे रखे थे ये हमने नया एक बनाया है तो अब हमारे पास इसमें टोटल छह पैटर्न है होके छे हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने जहाँ पे ऐड किया था वहां पे भी एक पैटर्न बन के रेडी हो गया है तो इन छो पैटर्न को आपको बार बार इसी तरह राउंड में बनाना है और मैंने इसमें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दस रो बनाई है वाइट कलर से छबल डबल क्रोशिया दो चेन और छह डबल क्रोशिया के साथ तो मैं इसमें टोटल दस रू पहले बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताती हूँ कि इसमें किस तरह से फंदों को घटाना है तो उसके बाद इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ अगर आप कोई और साइज़ बना रहे हैं आपका हाथ लंबा है या कुछ तो ये जो लंबाई है ये आपके आधे हाथ की होनी चाहिए मीन्स आपका जो एल्बो है उससे थोड़ा सा नीचे तक आपको सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते हुए बना लेना है जो जितने भी आप छह डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो उसे नाप लें जब तक आपका ये एल्बो के हल्का सा नीचे तक ना आ जाए तब तक आपको सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है और इसे बना लेना है तो मेरा यहाँ पे टोटल दस रो बन के रेडी हुई है दस राउंड तो मैं इसमें दस राउंड बना लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ आपको कैसे इसको रिपीट करते हुए मैंने व्हाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस राउंड इसमें बना के रखे हैं और पूरे में मैंने सेम वैसे ही छः डबल क्रौशा दो चेन और छह डबल क्रौा ही बनाई है और अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशा को कम करना है तो सेम वैसे ही बनाते हुए बीच में आ जाना है दो चेन के स्पेस में एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और यहां पे ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, तो टोटल पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच पांच डबल क्रोशिया हो गई दो चेन और पांच डबल क्रोशिया एक दो तीन चार पांच तो अब आपको इसमें पांच डबल क्रोशिया दो चेन और पांच डबल क्रोशिया से वर्क करते हुए कुछ राउंड बना के रेडी करने हैं। सेम वैसे ही ये जो बीच वाला पर... पार्ट है वाला वो एज अ... इट सेम वैसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा और जितने पैटर्न्स बने हैं उसमें बनेंगे पांच डबल क्रोशिया दो चेन और पांच डबल क्रोशिया ओके तो पांच डबल क्रोशिया दो चेन और पांच डबल क्रोशिया से भी इसमें कुछ राउंड बना के रेडी करने हैं सो so, मैं इसमें पूरा पाँच डबल क्रोशिया से बना लेती हूँ और अब ये पाँच डबल क्रोशिया से ही वर्क कंप्लीट करते हुए आपको इसमें नीचे तक जाना है सेम वैसे ही जैसे आगे का जितनी भी आपकी हाथ की लंबाई है वो अब पाँच डबल क्रोशिया से ही कवर होगी बट अगर आप उससे भी पतला आगे का पार्ट करना चाहते हैं तो कुछ राउंड पाँच डबल क्रोशिया से बनाने के बाद उसके आगे का प्रोसेस आप चार डबल क्रोशिया से कर सकते हैं तो मैं इसमें पाँच डबल क्रोशिया से लगभग चार से पाँच राउंड बनाऊंगी उसके बाद फिर कलर चेंज करूंगी यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीचे के बॉर्डर में किया हुआ है सो मैंने कुछ राउंड इसमें बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि कलर कैसे चेंज होगा यहाँ मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया है और पांच डबल क्रोशा के साथ इसमें मैंने पांच की जगह छः रोज बना के छः राउंड बना के रेडी कर लिए हैं और अब यहाँ पर हमें नीचे बॉर्डर बनाना है आ, सेम वैसे ही जैसे हमने इस जगह पर बनाया हुआ है तो यहाँ मैं फिर से कलर चेंज करूँगी ये सिक्सटीन नंबर राउंड है मेरा जो मैंने पहली बना के रखी है ये पूरा मैंने यहाँ तक बना लिया है अब इसके बाद एक दो तीन चार पाँच पाँच राउंड बने हैं जिसमें पहला राउंड येलो है दूसरा वाइट है और फिर तीन राउंड येलो कलर से हैं तो इतना जितना आपका बन जाए बनाने के बाद जब थोड़ा सा बॉर्डर वाला हिस्सा इतना लगभग बचे तब आप इसे यहाँ पे कलर चेंज करें और कलर चेंज करने समय भी हमें यहाँ पे घटाना है फिर से एक बार तो यहाँ मैं येलो कलर का थ्रेड लगाने वाली हूं तो इस तरह से हमने ओवर किया इसे येलो थ्रेड से एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और सेम इसी प्लेस से डाल के अब यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया और बनानी है मीन्स टोटल चार डबल क्रोशिया बनानी है अभी तक वर्क कर रहे थे पांच डबल क्रोशिया से अब यहाँ पे बनाएंगे चार डबल क्रोशिया एक दो तीन चार डबल क्रोशिया हो गई दो चीन फिर से चार डबल क्रोशिया एक दो तीन और चार चार डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया वाला जो पैटर्न है वो वैसे ही बनेगा तो सेम ऐसे ही अब आपको इसमें पांच और राउंड बनाने हैं जो चार डबल क्रोशिया दो चेन और चार डबल क्रोशिया से होंगे जैसे कि इसमें है येलो वाला राउंड मैंने शुरू कर दिया है उसके बाद फिर से वर्क को ऐड करके सेम वैसे ही जैसे अभी मैंने यहाँ पे येलो कलर को चेंज किया है वाइट कलर के बाद आपको येलो के बाद वाइट चेंज कर लेना है जिसमें ये वाला राउंड बनेगा और उसके बाद लास्ट में तीन राउंड अगेन येलो से बनेंगे जो कि चार डबल क्रोशिया दो चेन और चार डबल क्रोशिया के तो अब ये पांचों राउंड चार डबल क्रोशिया दो चेन और चार राउंड से बनके रेडी होंगे सो so, मैं इसमें पूरा बना लेती हूँ फिर आपको गला जैसे मेरी स्लीव भी दोनों तरफ की बन के रेडी हो चुकी है सो so, जैसे आपने एक तरफ की बनाई है वैसे ही आपको दूसरे तरफ की भी स्लीव इसमें बना के रेडी करनी है अब इसमें गला अगर आपको बड़ा लग रहा है अगर आपको एज इट इज ऐसे ही गला रखना है थोड़ा सा बोट नेक्स्ट टाइप तो आप ऐसे ही रख सकते हैं बट अगर आपको हल्का सा गला बड़ा लग रहा है तो आप इसमें दो से तीन रो में बॉर्डर बना सकते हैं तो क्या करना है आपको यहाँ पे ये देखिएगा इस साइड पे जैसे यहाँ इस तरह मैंने रखा है तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे किसी भी एक साइड पे आपको धागे को ऐड कर लेना है डबल क्रोशिया में तो और डबल क्रोशिया को इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की तरह उठा के यहाँ पे ऐड करना है और इसी तरह से नीचे से उठाएंगे और एक दो तीन तीन चेन बना ली एज अ डबल क्रोशिया अब ये हमने ऊपर से नीचे की तरफ फ्रंट पोस्ट बनाई थी तो अब इसके बाद वाली बैक पोस्ट बनानी है नीचे से क्रोशिया हुक को डालना है और डबल क्रोशिया को ऊपर से कवर करते हुए इस तरह से लेना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है ये हो गई बैक पोस्ट अगेन उसके बाद तीसरी वाली फ्रंट पोस्ट बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ क्रोशिया हुक को डालेंगे और नीचे से कवर करेंगे डबल क्रोशिया को और एक डबल क्रोशिया यहां बना लेंगे फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ हुक को डालना है और यहाँ डबल क्रोशिया बना लेनी है सो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और इस तरह से पूरा बनाते हुए राउंड को ओवर करेंगे तो यहाँ पे पूरा होने के बाद वर्क को ऐड करेंगे और अगेन यहीं से स्टार्ट करेंगे तीन चेन बनाएंगे उसके बाद बैक पोस्ट है तो इसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और आफ्टर दैट फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट तो एक और रो फ्रंट पोस्ट एंड बैक पोस्ट की बना के रेडी करेंगे तो टोटल टो 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 यहाँ पे दो रोज बनानी है बॉर्डर की इसमें भी ये पूरा ऐसे ही बनाएंगे पूरा राउंड और वर्क को ऐड करके धागे को कट करेंगे गला भी पूरा बन के रेडी हो चुका है और अब हमारी ये पूरा स्वेटर बन के रेडी है और अब आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत ये पूरा पीस लग रहा है सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू एंड हैव डे